शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 72। ये वर्कशीट आपकी 6 टू 8 क्लास की है तो मैं बना रही हूँ। इसके अलावा जो बाकी वर्कशीट्स हैं वो सारी भी मैंने लोड कर दी हैं, यानी कि जो इस वीक की आपकी वर्कशीट्स आई हैं वो सारी अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा जो आपकी 6th, 7th, 8th की अलग अलग वर्कशीट्स आती हैं वो भी मैं डे बाई डे लोड कर रही हूँ, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहें तो। चलिए तो इसे शुरू करते हैं। ये आपका एक ही लैंग्वेज में आया तो इसे आप लोग हिंदी की कॉपी में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आप पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास जो भी आपका क्लास है डाल देंगे, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें मैं पढ़ना क्या है। देखिए अब क्या लिखा है, हम अपनी, मैं ये कलर हटा देती हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर कार्य में मशीन का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। पुराने ज़माने के लोगों के पास कपड़े भी नहीं थे, आज हम कपड़े भी इतने स्टाइलिश पहनते हैं। पुराने लोगों के पास इतनी ज़्यादा मशीनें नहीं थी, आज हमारे पास हर तरह की मशीन है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास मशीनें आ रही हैं हर काम के लिए। नीचे दो चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखें। इनके नामों या इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखना है। ठीक है, आप देखिए। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये अंकल कुछ, आपको ऐसा लग रहा है शायद कुछ बिन रहे हैं, या हो सकता है ऐसा लग रहा है कि गेहूं से काम कर रहे हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि कुछ भी है ये अपने हाथों से बैठे कर रहे हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ क्या है, ये आपको दिख रहा है कि घास काटने वाली मशीन है जिससे हम लोग भैंस वगैरह के लिए चारा काटते हैं। दूसरा क्या है, ये आपको हैंड पाइप दिख रहा है जिसको चला के पानी लेते हैं। तीसरा यहाँ आपको क्या दिख रहा है, देखिए मिट्टी के बर्तन गोलक वगैरह घड़े वगैरह बन रहे हैं। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ जो आंटी हैं वो सिल पे चटनी पीस रही हैं ना, नींबू हरी मिर्चें ये सब चटनी पीस रही हैं, किस पे, सिल के ऊपर। और यहाँ पे जो आंटी आपको दिख रही हैं ये धागा बिनती हुई दिख रही हैं। ठीक है, ये जो धागा बिना जाता है ये वो कर रही हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए यहाँ लिख दिया हाथ से गेहूँ बना रहे हैं, वैसे आप लिख सकते हैं कि ये डलिया बिन रहे हैं, तो दोनों चीज़ें सही हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ मैंने लिखा साग बनाने वाली मशीन है ये। इसके अलावा ये मैंने लिख दिया नल है। इसके अलावा यहाँ मैंने लिख दिया हाथ से बर्तन बनाना, यहाँ से बर्तन बनाए जा रहे हैं। ठीक, ये लिखा मसाला पीसना। इसके अलावा ये लिखा धागा बनाना। ठीक है, अब इसी के अपोजिट आप देखें जो ये जो चीज़ें आपको दिखाई गई हैं ये सारे कब की हैं, पुराने ज़माने के कब की हैं, पुराने, ठीक है, पुराने समय की हैं। कब की हैं ये, पुराने समय की। अब ये जो है ये आपका नया समय है जिसे हम मशीनी युग कहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ना 8th क्लास में जो आपको चैप्टर आ रहा था हिंदी वाला जिसमें वो चूड़ियाँ बनाते हैं, तो वो क्या है, मशीनी युग का ही दिखाया ना। मशीनी युग ने कई लोगों के हाथ काट दिए। कहने का क्या मतलब है, पहले जो काम 10 लोग मिलके करते थे वो मशीन अकेले कर लेती है, तो बहुत सारे लोग बेचारे बेरोज़गार हो गए। तो ये कहा जाता है ना कि मशीनी युग ने लोगों के हाथ काट दिए, उसका मतलब ये है कि लोगों की रोज़ी रोटी छीन ली। अब देखिए क्या है, मिक्सी, तो मिक्सी से तो चलिए ठीक है, हमारा काम आसान भी हो गया है ना। कुछ चीज़ें हमें सिल पे बैठ के घंटों के हिसाब से पीसनी पड़ती थी, मिक्सी में फटाफट पीस जाती हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये आपका ट्रैक्टर में जो है हल लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ मैंने हल लिख दिया। इसके अलावा ये आपको ओवन दिख रहा है, माइक्रोवेव ओवन, खाना गर्म करने के लिए पहले चूल्हे पे गर्म करते थे, यानी पहले लकड़ी जलाओ, ठीक, जब चूल्हा अच्छे से दहक जाए उसके बाद आप सामान रख के उसको करें, तब तक कि भूखा इंसान बेचारा भूख से बेहोश हो जाए, है ना। चलिए अगला क्या है, देखिए ये आपको कंप्यूटर है मैंने लिख दिया, सिलाई मशीन लिख दी। इसके अलावा ये आपकी फसल काटने वाली मशीन है, या आप इसे कोई और भी मशीन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खास समझ में नहीं आ रहा था मुझे, इसलिए मैंने फसल काटने की मशीन ही लिख दी जिसे थ्रेशर बोलते हैं। तो आपने देख लिया कि दोनों में फ़र्क है, पहले सारे काम किससे होते थे, हाथ से, अब वही सारे काम किससे हो रहे हैं, मशीन से। ओके, चलिए नीचे देखते हैं अगला में क्या काम दिया है इन्होंने। इन्होंने लिखा है अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ 3 वाक्य बनाए, अगर आप और कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसे भी बना सकते हैं। मैंने आपको हिंट देने के लिए 3 वाक्य बनाए, अगर आप ये 3 भी लिखेंगे तो भी काफ़ी है। ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ लिखा क्या है, मशीनी युग से पहले का समय, यानी मशीन आने से पहले का समय कैसा था, और मशीनी युग जो आज मशीनी युग चल रहा है ये कैसा समय है। तो देखिए पहले सब काम हाथों के द्वारा किए जाते थे, अब किसके द्वारा किए जाते हैं, अब मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, ठीक, लेकिन इससे लोग काहिल भी हो रहे हैं, कामचोर बन रहे हैं। ठीक है, अब यह क्या लिखा है, किसी काम को करने के लिए बहुत
से लोगों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, अब क्या है, जो काम 50 व्यक्तियों द्वारा किया जाता था मशीन अकेले ही कर लेती है। ठीक, तो क्या हो गया, लोगों का रोज़गार छिन गया, जो यहाँ पे कम से कम 100-150 लोग थे वो सब बेरोज़गार हो गए। अब मशीन को चलाने के लिए हद हो गई 2 लोग या हो गई 10 लोग, तो 50 लोग तो नहीं चाहिए ना, मशीन अकेले कर लेगी वो सारा काम। अब इसी तरह से अब कुछ काम ऐसे थे जो करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब वही काम मशीन आने की वजह से बहुत आसान हो गए, आसानी से किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक, तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।